हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए ग्रुप डी के क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम अब तक क्षेत्रफल चैप्टर को कवर कर चुके हैं और आयतन को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन भी मैं आपको कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आयतन चैप्टर से और इसे मैंने रखा है एक्सपेक्टेड में। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन क्या होगा? दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आयतन क्षेत्रफल की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मुलों का याद होना, और यदि आपको फॉर्मुले याद नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए सवालों की, आपको फॉर्मुले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बेलन दे रखा है दोस्तों इसने, देखिए ये रहा बेलन, ये मैंने बेलन बना दिया। अब कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या, देखिए ये है इसका आधार, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कहां से कहां तक हुई दोस्तों, इस केंद्र से लेके यहां तक की दूरी, क्या कहलाएगी इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसकी लंबाई, लंबाई का मतलब है दोस्तों या आप ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 40 सेंटीमीटर। लंबाई कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए बेलन की, कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। और आपसे उसने पूछा है इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों, आपको मैंने आपसे क्या कहा, आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस अब आपको यहां मान रखने हैं केवल, तो हम मान रख लेते हैं। देखिए पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना, 3.5, और यहां क्या है आर स्क्वायर, यानी कि हम इसको दो बार लिख सकते हैं। तो लिखते हैं एच, एच कितनी है दोस्तों, 40। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए पॉइंट हटेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो कितना है जीरो आएगा, 1 0, यानी कि 10। यहां देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, इसे यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जो आएंगे, 1, यानी कि 10। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 के पहाड़े से 35 हट जाएगा, देखिए 7 × 35, 5 × 2 = 10, और 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, देखिए 4 को 2 बार। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है 22 गुणे में 35 और गुणे में 2, ठीक है ना दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। देखिए 35 × 70 गुणे 22, गुणा करते हैं हम 70 का 22 में, 7 × 2 = 14 हासिल किया, 7 × 14 = 15 और 0 = 1 था ये, तो इसको भी लिख लेंगे हम, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका आंसर, 1540 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं तो आप अभी समझ जाएंगे। देखिए सवाल बड़े नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक एक छोटी छोटी चीज भी लिख कर रखता हूं, जैसे कि आर की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, इसलिए आपको सवाल लंबे और लेंदी लगते हैं। यदि मैंने डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ना लिखें, ठीक है ना, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। देखिए सवाल क्या क्या है, एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग मीटर हो तो आयतन क्या होगा। दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हमें निकालना है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमें इस सवाल में त्रिज्या की जरूरत है और ऊंचाई की, ठीक है ना। यदि ये दोनों हमें पता चल जाए तो हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है। देखिए ये रहा आपका बेलन, केंद्र से यहां से देखिए नीचे की वृत्त बन रहा है, दोस्तों ध्यान से देखिए बेलन के ऊपर देखिए वृत्त बन रहा है ना, तो केंद्र से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी आर यानी कि त्रिज्या, और ये होती है इसकी ऊंचाई।
उसने क्या कहा, क्या कहा, बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई का योग 37 है। देखिए आधार की त्रिज्या यानी कि आर और ऊंचाई इसका योग कितना है 37, 37 मीटर, ठीक है। फिर उसने कहा यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग मीटर हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या दे रखा है आपको 1628 मीटर, ठीक ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा है 1628 मीटर, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, ये होता है आपका 2πr h + r, ठीक है ना, क्या होता है 2πr h + r, और कितना दे रखा है ये 1628। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो यहां से आपको वैल्यू निकल कर आएगी। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए 2πr h प्लस आर की जगह आप ये नहीं रख सकते 37, देखिए इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, देखिए h प्लस आर या फिर आप r प्लस h कह सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी 37, यहां रख देते हैं इसकी जगह, देखिए ये रख दिया हमने बराबर 1628। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको आगे, देखिए मैं इसको यहां साइड में सॉल्व कर रहा हूं सवाल, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देखिए यहां से कर लेते हैं, यहां मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, देखिए 2 पाई का मान कितना है 22/7 और 37 16 28, ठीक है। देखिए 2 के पहाड़ से दोस्तों हम इसे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, देखिए 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। 11 के पहाड़ से ये कट सकते हैं, चेक करेंगे हम, हाँ कट जाएगा। देखिए देखिए 11 2 2 22 और 11 7 77 और 4 बचेंगे तो 11 4 40, ठीक है। यहाँ बचा है 2 × 8 37/7 = 74, 2 से हम 74 को काट सकते हैं, हाँ काट देंगे। देखिए 2 से 74 को काटा कितना आएगा 37 और 37 से 37 कट जाएगा तो क्या बचा है, आप 1 मान लीजिए, इस 7 का क्रॉस गुणा यहाँ कर देंगे, इसका मतलब है आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। ध्यान से देखिएगा आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7। इस आर की वैल्यू को यदि हम यहाँ रख दें तो एच की वैल्यू आ जाएगी, देखिए आर प्लस एच बराबर कितना दे रहा है आपको 37। इस आर की वैल्यू त्रिज्या का मान कितना है 7, यहाँ रख दीजिए बराबर 37, बराबर के यहाँ ले जाएंगे दोस्तों, इसे माइनस का हो जाएगा यानी कि इसमें घट जाएगा तो एच कितना आ गया 30। तो आपके पास दोनों ही वैल्यू आ गई बेलन की, ठीक है ना, आर कितना आ गया 7 और एच कितना आ गया 30। बस यहाँ रखना ही तो है, तो रखते हैं बेलन के आयतन में, देखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और ये है स्क्वायर में यानी कि 2 बार रख देंगे हम इसे, और एच कितना है 30। सॉल्व करते हैं, देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए 7 को गुणा करते हैं 22 में, 7 × 14 हाँ से लगी 7 × 14 = 15, 154 × 30 गुणा करते हैं दोबारा 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, 3 × 4 = 12, 5 × 15 = 16 हाँ से लगी 3 × 3 = 4, यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा 4620 घन मीटर, कितना आएगा दोस्तों 4620 घन मीटर। आप इस सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज लिखकर दिखाता हूं ना, देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले, आर के मान, एच के मान, ये सब लिख कर आता हूं, इसलिए सवाल आपको बड़ा दिखता है। सवाल तो ये इजी है, अगर आप डायरेक्ट इसे लेते और फॉर्मूला लगाते काटते तो आर की वैल्यू आती, आर की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रख सकते थे तो 30 आ जाता है एच की वैल्यू, ठीक है ना, और डायरेक्ट यहाँ भी रख देते इन दोनों वैल्यू को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या आर है, क्या कह रहा है दोस्तों, एक बेलन की त्रिज्या क्या है आर, इसके आयतन को किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। वो आपसे कह रहा है कि बेलन के आयतन में, देखिए बेलन के आयतन में किससे गुणा करें, तो मैंने कह दिया हम जेड से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, इसके आयतन को किससे गुणा करें, मैंने कह दिया हम बेलन के आयतन को जेड से गुणा कर रहे हैं,
की गुणनफल, यानी कि जब हम गुणा करेंगे तो जो सामने निकल कर आएगा, देखिए जब हम बेलन के आयतन में गुणा करेंगे तो सामने जो भी निकल कर आएगा गुणनफल, वो क्या हो, गुणनफल, गुणनफल जो हो वो बेल, ये जो गुणनफल है बेलन के बकपृष्ठ के बराबर हो जाए, ये जो गुणनफल है, ये गुणनफल है जो बेलन के बकपृष्ठ के बराबर हो जाए, किसके, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाए। फिर से देखिए, बेलन के आयतन में किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के बकपृष्ठ के बराबर हो जाए, तो देखिए रखते हैं हम, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच गुणे में क्या, जेड, और बेलन का बकपृष्ठ क्या होता है, बकपृष्ठ होता है टू पाई आर एच। आपको इस जेड की वैल्यू निकालनी है, उसने कहा ना किससे गुणा करें, तो हम जेड से गुणा कर रहे हैं, इस जेड की वैल्यू निकालनी है, देखिए एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर टू आर है यानी कि दो आर लिखे हैं गुणे में और एक आर ये है, तो एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पे आर बचेगा, ठीक है, अब क्या आ गया, आर इंटू जेड बराबर टू। इस जेड की वैल्यू के लिए हम आर को नीचे ले आ सकते हैं, आर को नीचे, तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी आ गई, टू अपॉन आर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन लिया है मैंने लाभानी से और ये आरआरसी ग्रुप डी दिल्ली में पूछा भी जा चुका है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बच्चों को दिक्कत भी होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पांच लीवों को 16 रुपए में क्रय किया जाता है, यानी कि ये इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आगे कह रहा है तो 25% लाभ कमाने के लिए एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मैं आपको इसका सबसे अच्छा तरीका दिखाता हूं दोस्तों। देखिए यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक नींबू का मूल्य कैसे बनाए, या बहुत से बच्चे भूल भी जाते हैं, तो देखिए मैं सवाल को करता हूं, देखिए यदि हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल लें, क्रय मूल्य का मतलब है जिस रेट में हमने उसे खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कैसे आएगा, हमेशा रखिएगा, हमेशा जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो कि पांच नींबू 16 रुपए में खरीदे, ठीक है ना, तो देखिए रुपए ऊपर वस्तु हमेशा नीचे रखिएगा, क्या, रुपए ऊपर और वस्तु को हमेशा नीचे रखिएगा, देखिए रुपए कितने हैं 16 और वस्तु कितनी है पांच, पांच नींबू खरीदा है ना, तो ये एक नींबू का आ गया, ठीक है दोस्तों, एक नींबू का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, इसी प्रकार विक्रय भी निकल सकता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो 16 रुपए में पांच खरीदे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, ये एक नींबू का क्रय मूल्य आ गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, क्या आपको इस पर लाभ कमाना है 25% का, ठीक है ना, 25% का लाभ कमाने के एक नींबू को, एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य, एक नींबू का विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। अब आपको दोस्तों याद रखिएगा लाभ हानि में सिर्फ एक फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे इस प्रकार के सवालों करने में बड़ी आसानी होती है, देखिए को फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस माइनस बराबर सेलिंग प्राइस, यानी कि यह है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है ना दोस्तों, क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस बराबर विक्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 16/5 रख दीजिए यहां पर, 16/5 का मतलब गुणा 100 प्लस माइनस, देखिए जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगी तो माइनस करेंगे, यहां क्या हो रहा है लाभ, ठीक है ना, क्या हो रहा है लाभ, तो 100 में जोड़ देंगे से हम, 125% बराबर में सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सॉल्व करते हैं, देखिए परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, 25 के पारे से 5 बार, 25 के पारे से 4 बार, और काटते हैं 4 के पारे से 4 × 16 और 5 × 5, अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4 रुपए, कितना आ गया 4 रुपए, कैसे कहेंगे, देखिए ऐसे कह सकते हैं हम, देखिए 4/ नीचे क्या एक ही तो है, देखिए एक है ना 5 × 5 1, तो हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, देखिए जिस प्रकार आपने इसको तोड़ा था इसको तोड़िए, देखिए क्या आया सेलिंग प्राइस, एक नींबू खरीद सकते हैं हम कितने का 4 रुपए का, क्योंकि रुपए तो हमेशा ऊपर आते हैं ना, रुपए ऊपर आते हैं और वस्तु नीचे आती है, तो एक वस्तु यानी कि एक नींबू कितने का खरीदा उसने 4 रुपए का, एक नींबू कितने का खरीदा 4 रुपए का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरसी सिकंदराबाद ग्रुप डी में 2013 में पूछा भी गया है, देखिए क्या कह रहा है, ए ने 5% लाभ पर एक मेज को
420 रुपए में बेचा, बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपए में मेज को बेचा, तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना? तो देखिए दोस्तों, ए ने कितने परसेंट लाभ कमाया, 5% का, और बेचा कितने का है, 420 रुपए का, यानी कि इसका क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो आप सीधा से एक फॉर्मूला लगाएं और इसका क्रय मूल्य निकालकर हम इसका लाभ निकाल सकते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस माइनस परसेंट, परसेंट में जोड़ेंगे दोस्तों, बराबर सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब दोस्तों ये है ग्रुप डी का सेट, और बच्चे अधिकतर ग्रुप डी में होते हैं हिंदी मीडियम, तो उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में। तो याद रखिएगा, मैं उन्हें बता देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ और शॉर्ट तरीके से लिख देता हूँ। देखिए क्या है, ये क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस बराबर विक्रय, ठीक है ना, हिंदी मीडियम बच्चे भी इसको अच्छे समझ रहे हैं। देखिए क्रय मूल्य का, मैंने इसको के कह दिया, क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस बराबर विक्रय, चाहे आप ये वाला फॉर्म लगा लीजिए, चाहे ये लगा लीजिए, सेलिंग प्राइस जी, सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का मतलब क्या है, खरीदा, सेलिंग मतलब बेचा, ठीक है। तो देखिए हम अभी कर रहे हैं किसकी बात, ए की बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ, अभी हम ए की बात कर रहे हैं। देखिए हम ए का निकाल रहे हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मैं के ही लिख देता हूँ दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, का मतलब गुणा, तो ए को क्या हो रहा है, 5% का लाभ, तो 5% का लाभ है, लाभ है तो हम जोड़ेंगे परसेंट को 100 में, तो कितना हो जाएगा, 105% बराबर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इसका, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, कितने का बेचा इन्हें, 420 रुपए में, ठीक है। देखिए परसेंट को यहां से हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100, 105 को हम 420 में भाग देंगे, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है 4 से कट जाएगा, ये 100 का यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ गया, ए का 400 रुपए, ठीक है। देखिए ए ने 400 रुपए की टेबल खरीदी थी, ए ने 400 रुपए की टेबल खरीदी और बेची कितने की, 420 की, तो लाभ कितना होगा, ए को कितना लाभ होगा दोस्तों, 20 रुपए का, ठीक है ना, ये किसका लाभ है, ए का लाभ। फिर से सुनिए, ए ने 400 रुपए की टेबल खरीदी, क्रय मूल्य आया ना इसका, कॉस्ट प्राइस कितने की, 400 की खरीदी और बेची कितने की, 420 की, तो कितने का लाभ होगा, देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे कितना आएगा, 20 रुपए का लाभ। आगे सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपए में बेच दिया इस मेज को, अब बी ने लाभ कितना कमाया, 6% का, और बेचा कितने का है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 477, तो हम इसका भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं इसी प्रकार। तो देखिए वही फॉर्मूला दोस्तों, देखिए मैं यहां लगा देता हूं, क्रय मूल्य का डायरेक्ट लगाएंगे हम, क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस, क्रय मूल्य का मतलब है गुणा, ठीक है ना, कितना लाभ हुआ उसे, 6% का लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, तो 106% बराबर क्या आता है सामने, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, 477 रख दीजिए। अब देखिए परसेंट को यहां से हटाएंगे, चलिए यहां कर देता हूं मैं, 106% बराबर 477, परसेंट को हटाएंगे जी क्या आएगा, 100, ठीक है दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 50, 12, देखिए अब ये इससे कट रहा है, हम गुणा करके 8 × 3 = 24, 4 × 9 = 17, हाँ तो कट सकता है, देखिए कोश करते हैं, 9 × 3 = 27, हाँ से लग दो, 9 × 5 = 45 और 2, हाँ कट गया, देखिए 9 बार कट गया इससे, कितने 9 बार, क्रॉस गुणा करेंगे 50 का 9 में, तो क्रय मूल्य इसका कितना आ गया, बी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 450। अब हम बी का भी लाभ निकाल सकते हैं, किसका, बी का लाभ, बी का लाभ क्या होगा दोस्तों, बी ने कितने की खरीदी, 450 की, बी ने कितने की खरीदी, हम बी की बात कर रहे हैं, बी ने कितने की खरीदी, 450 की, और बेची कितने की है, कितने की बेची बी ने, 477 की, तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या आएगा, लाभ आएगा ना, घटा दीजिए कितना आएगा, 27। अब देखिए हमारे पास दोनों के लाभ हैं, ए का लाभ है और बी का भी लाभ है, उसने क्या कहा, किसे अधिक लाभ होगा, तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि बी को अधिक लाभ होगा, तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अब देखिए हमें आंसर के हिसाब से चलना है, कितना अधिक लाभ होगा, तो बी को 7 रुपए अधिक लाभ हो रहा है, किससे, ए से, देखिए इसका अंतर कीजिए 7 रुपए, तो बी को 7 रुपए अधिक लाभ हो रहा है ए से, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर रहेगा
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरसी मुंबई ग्रुप डी 2013 में पूछा भी जा चुका है। और जिन बच्चों को लाभ हानि में इस प्रकार के सवाल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इतना ज्यादा बेसिक है कि आपको हर बुक में दिखेगा, और यदि आपको ये सवाल आता है तो आप हर तरह के सवाल भी कर सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया उसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे हम। देखिए ₹285 में एक शर्ट को बेचने पर, ₹285 में एक शर्ट को बेचने से पर दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य में बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, अब मैं आपको एक एक चीज डिटेल में लिख कर दिखाता हूँ जिससे कि आपको सवाल अच्छे समझ में आए। देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 285, और 285 बेचने पर क्या हो रहा है उसे 5% की हानि, हानि कितनी हो रही है 5% की, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, हानि दे रखी है, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस का 100 ± बराबर सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य का 100 ± बराबर विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य आपको निकालना है इसका, इसको एक्स मान लेते हैं, गुणे क्या हो रहा है हानि हो रही है ना, जब हानि होती है 100 में से घटाएंगे हम तो कितना आएगा 95% बराबर सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस दाम में हमने बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 285। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए परसेंट आएंगे नीचे क्या आ गया 100, 5 के पहाड़े से कट जाएगा 19 बार, 5 के पहाड़े से कट जाएगा 20 बार, 19 से काट के देखते हैं, देखिए 19 से काट, देखो 19 से कम 19, 9 बचा 19, 95 कट गया दोस्तों कितनी बार 15 बार। अब 20 का गुणा कर देंगे क्रॉस गुणा यहाँ, तो क्रय मूल्य कर कर आ गया, यानी एक्स का मान आ गया, देखिए कितना आ गया, यानी कॉस्ट वाला कितना आया ₹300। तो ये शर्ट कितने की थी दोस्तों, ₹300 की, कितने की, कॉस्ट प्राइस कितना आया इसका जो हमने एक्स माना था ₹300, ये शर्ट ₹300 की थी, और 285 में बेचेगा, यदि ₹300 की शर्ट को 285 में बेचेंगे तो पक्का है कि हमको हानि होगी, लेकिन अब हमें इसे किस मूल्य पर बेचें ताकि 15% का लाभ हो। क्रय मूल्य कितना है ₹300, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है यहाँ कर देता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है ₹300, अब हमें इस पे कितना लाभ कमाना है, लाभ कमाना है 15% का, तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर से लगाते हैं यही फॉर्मूला, देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस का 100 + बराबर सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300, लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ेंगे यानी कि 115% बराबर क्या आएगा सेलिंग प्राइस, और जो कि हमको निकालना है। देखिए परसेंट आएंगे नीचे कितना आएगा 100, 100 से 300 को 3 बार काट सकते हैं, गुणा कर लीजिए 3 × 5 = 15, यहाँ से लगे 3 × 3 = 4, 3 × 3, यानी कि अब सेलिंग प्राइस कितना आएगा 345, यदि हम ₹345 में बेचें तो हमें 15% का लाभ होगा, यानी कि इसका सही आंसर कितना रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।